नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्टूडेंट्स लाइफ के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर्स देखने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। अगस्त माह का इसमें हम सब प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर्स को देखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, नौसेना में शामिल किए जाने से चर्चा में रहे मारिच क्या है? उत्तर है एंटी सबमरीन युद्ध क्षमता से युक्त उन्नत टॉर्पीडो डिकॉक सिस्टम। आपका अगला प्रश्न, कोरोना वायरस के मद्देनजर विधि मंत्रालय ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में डाक मतपत्र पोस्टल बैलेट से मतदान की आयु 80 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई है? उत्तर है 65 वर्ष या इससे अधिक। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार द्वारा नशे से सर्वाधिक प्रभावित जिलों हेतु कौन सी योजना चलाई गई एवं यह कितने जिलों में लागू किया जाएगा? माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ दो प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है, प्रभावित जिलों हेतु कौन सी योजना चलाई गई? उत्तर है नशा मुक्त होने एनुअल एक्शन 2020 और 21। यह कितने जिलों में लागू किया जाएगा? उत्तर है 272 जिलों में। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सब। आपका अगला प्रश्न है, ग्रामफू समदो मार्ग सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किन दो सड़कों को आपस में जोड़ती है? उत्तर है मनाली लेह एवं भारत तिब्बत मार्ग को। आपका अगला प्रश्न है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यकाल के विस्तार से चर्चा में रहे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उपश्रेणीकरण हेतु समिति का गठन किया गया एवं इसके समिति के अध्यक्ष कौन है? माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ भी दो प्रश्न हैं, किस अनुच्छेद के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उपश्रेणीकरण के हेतु समिति का गठन किया गया? उत्तर है अनुच्छेद 340। समिति के अध्यक्ष कौन है? उत्तर है न्यायाधीश जी रोहिणी। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, कंप्रेस्ड वायोगैस CBG को वित्त पोषण की प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल करने से चर्चा में रहे किस योजना के तहत सरकार ने 2023 तक 15 MMT CBG उत्पादन का लक्ष्य रखा है? उत्तर है सतत सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, यह जो है दोस्तों 2018 से प्रारंभ किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में कम कार्बन उत्सर्जन वाली परिवहन प्रणाली के लिए भारत में किस योजना की शुरुआत की जाएगी? उत्तर है भारत में कार्बन मुक्त परिवहन सेवा। माय डियर फ्रेंड्स, यदि इंग्लिश में से डी कार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया।
आपका अगला प्रश्न है, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा विकसित आईसी चिप ध्रुव क्या है एवं इसका अनुप्रयोग क्या है। यहाँ पे भी दो प्रश्न हमारे फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, आईसी चिप ध्रुव क्या है? उत्तर है, एक नेविगेशन रिसीवर, आरएफ फ्रंट एंड इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका अनुप्रयोग क्या है? दूसरा, नेविगेशन में। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत चीन तनाव के संदर्भ में चर्चा में रहे गोथिक पांडा और स्टोन पांडा क्या है? यदि माय डियर फ्रेंड्स हम बात करें गोथिक पांडा की, तो गोथिक पांडा है साइबर अटैक करने वाले ग्रुप। ठीक है, यदि हम बात करें स्टोन पांडा की, स्टोन पांडा है चीनी सेना पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी द्वारा समर्थित। और आपका अगला प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार हेतु 50,000 करोड़ लागत की किस योजना को एवं कहां शुरू किया गया? यहां भी दो प्रश्न हमारे फ्रेंड्स, एक है किस योजना को और कहां शुरू किया गया। उत्तर है, योजना की बात करें, योजना है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ठीक है, और कहां है? तो है ग्राम तेलीहर विकास खंड बेलदौर खगड़िया बिहार में है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हेतु किस संस्था को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में शामिल किया गया है? उत्तर है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी। आपका अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे सत्यभामा पोर्टल क्या है? उत्तर है, खनन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने वाला पोर्टल। आपका अगला प्रश्न है, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए हाल ही में जारी हुई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन कौन संस्था करती है एवं इसका आधार वर्ष क्या है? यहाँ पे दो प्रश्न है दोस्तों, सूचकांक का संकलन कौन संस्था करती है एवं इसका आधार वर्ष क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है, श्रम ब्यूरो संस्था के द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन किया जाता है और इसका जो आधार वर्ष है वह है 1986-87। आपका अगला प्रश्न है, त्रिपुरा में पाए जाने से चर्चा में रहे हॉक बजरस IUCN की किस सूची में सूचीबद्ध है? उत्तर है, IUCN रेड लिस्ट में लुप्त प्राय प्रजातियों में शामिल है। और आपका अगला प्रश्न है, औषधि महानियंत्रक भारत सरकार के द्वारा तीसरे ट्रायल फेज की अनुमति से चर्चा में रहे एंटी वायरल ड्रग अमीफेनोविर का प्रयोग मुख्यतः किसके इलाज में होता है? उत्तर है, इन्फ्लुएंजा। आपका अगला प्रश्न है, जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुकूल महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक कितने मिलियन टन कोयले के गैसीकरण का
लक्ष्य रखा है? उत्तर है 100 मिलियन टन। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान के द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 जारी की गई? इस रिपोर्ट के अनुसार भारत प्रत्यक्ष निवेश हासिल करने में विश्व में कौन सा स्थान पर है? यहाँ पे भी दो प्रश्न माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किस संस्था के द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 जारी किया गया है? उत्तर है अंक टाड, और भारत प्रत्यक्ष रूप से विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो वह 9वें स्थान पर है। आपका अगला प्रश्न है, आदिवासी संग्रहकर्ताओं के कवरेज को 3 गुना करने से चर्चा में रहे पीएम बंधन योजना बंधन योजना कब एवं क्यों शुरू किया गया था? तो माय डियर फ्रेंड्स, बात किया जाए पीएम बंधन योजना कब शुरू किया गया था, तो यह शुरू किया गया था 2018 में। क्यों शुरू किया गया था? इसका उद्देश्य है वन उत्पादों में मूल्य संवर्धन द्वारा जनजातियों लोगों की आजीविका का सृजन करना। और आपका अगला प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा नेपाल भारत मैत्री विकास साझेदारी के तहत नेपाल के किस मंदिर में स्वच्छता केंद्र के निर्माण की प्रतिबद्धता जताई है? उत्तर है पशुपति नाथ मंदिर। और आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली सिख महिला की उपलब्धि किसने हासिल की है? उत्तर है अनमोल नारंग। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम सब अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को यहाँ पे देखेंगे। पहला प्रश्न है, COVID-19 में सुरक्षित व्यावसायिक एवं निजी यात्रा हेतु ग्रीन लेन किस देश की पहल है एवं इससे जुड़ने वाला प्रथम देश कौन है? यहाँ पे तो दो प्रश्न है माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, किस देश की पहल है ग्रीन लेन? उत्तर है सिंगापुर। जुड़ने वाला प्रथम देश कौन है? उत्तर है चीन। और आपका अगला प्रश्न है, पाकिस्तान जासूसों के संदर्भ में चर्चा में रहे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी क्या है एवं किस संधि के तहत यह लागू होती है? यहाँ पे भी दो प्रश्न है माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डिप्लोमेटिक यूनिट क्या है? उत्तर है राजनयिकों की सुरक्षा प्रदान करना। किस संधि के तहत कार्य करता है या लागू होता है? उत्तर है वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। ठीक है, और आपका अगला प्रश्न है, जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु उपरांत भड़की हिंसा के कारण अमेरिका ने चरमपंथी समूह को आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल करने की घोषणा की है? उत्तर है एंटीफा। और आपका अगला प्रश्न है, अमेरिका राष्ट्रपति के द्वारा G7 का विस्तार कर किन देशों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा है? उत्तर है भारत रूस ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को। और आपका अगला प्रश्न है,
तट रक्षक बलों के गतिरोध से चर्चा में रहे सिकांकु द्वीप समूह को लेकर किन देशों के मध्य सीमा विवाद है एवं यह कहां स्थित है। यहां पे भी दो प्रश्न मारे फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उत्तर है किन देशों के मध्य सीमा विवाद है, उत्तर है चीन और जापान। यह कहां स्थित है, उत्तर है पूर्वी चीन सागर में। ठीक है, और आपका अगला प्रश्न है हाल ही में किस वैश्विक कंपनी के सीईओ ने नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई में 3.7 करोड़ डॉलर का योगदान देने की घोषणा की है। उत्तर है गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। और आपका अगला प्रश्न है हाल ही में लगभग 20,000 टन डीजल ईंधन बहने के कारण रूस के किस क्षेत्र में आपातकाल लगाने की घोषणा की गई है। उत्तर है साइबेरिया। और आपका अगला प्रश्न है हाल ही में आई देशों द्वारा चीन पर नजर रखने हेतु किस अलायंस का गठन किया गया है एवं इसमें कौन से देश शामिल है। उत्तर है यहाँ पे सॉरी दोस्तों 8 होगा। ठीक है, फिर से मैं एक बार प्रश्न बोल देता हूँ, थोड़ा सा गलत हो गया। हाल ही में 8 देशों द्वारा चीन पर नजर रखने हेतु किस अलायंस का गठन किया गया है एवं इसमें कौन से देश शामिल है। उत्तर है माय डियर फ्रेंड्स किस अलायंस का गठन किया गया है, उत्तर है इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना IPAC। इसमें कौन कौन से देश शामिल है, उत्तर है अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे और यूरोप की संसद। ठीक है, थोड़ा सा माफी चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया है। और आपका अगला प्रश्न है किस देश ने जॉर्ज फ्लॉयड की जघन्य हत्या और अमेरिका में नस्लवाद के प्रत्युत्तर में ब्लैक फ्राइडे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। और आपका अगला प्रश्न है COVID-19 के संभावित स्रोत की आशंका से चीन सरकार ने हाल ही में किस जंतु को प्रथम श्रेणी में संरक्षित जानवरों की सूची में शामिल किया है। उत्तर है पेंगो लीन। और आपका अगला प्रश्न है पेशावर से कराची रेलवे लाइन परियोजना से चर्चा में रहे चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC से दो स्थानों को आपस में जोड़ा जाएगा। उत्तर है पाकिस्तान के गवादर पोर्ट की चीन के शिजियांग प्रांत से। आपका अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है एवं वर्ष 2020 के इस दिवस की थीम क्या है। उत्तर है सात जून को फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस।
आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में जलवायु नियंत्रण सीमा चौकी की स्थापना एवं फिंगर चार विवाद से चर्चा में रहे स्थान भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर है पैंगोंग तसो झील लद्दाख। और आपका अगला प्रश्न है, एल एंड टी के क्रायोस्टेंट के स्थापित होने से चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय थर्मो क्यूलिवर प्रायोगिक रिएक्टर में भारत समेत कितने सदस्य शामिल है एवं यह रिएक्टर कहाँ स्थित है? उत्तर है, यदि सदस्य की बात किया जाए टोटल सदस्य 7 शामिल है और यह रिएक्टर कहाँ स्थित है तो फ्रांस में। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में 69 लोगों की हत्या करने से चर्चा में रहे आतंकवादी संगठन बोको हराम किस देश से संबंधित है? उत्तर है नाइजीरिया। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन एवं पाकिस्तान के मध्य समझौता से चर्चा में रहे कोल्हा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस चित्र में एवं किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है? उत्तर है पाकिस्तान। और आपका अगला प्रश्न है, किस शख्सियत को बेट पुरस्कार के विश्व संस्करण में मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? उत्तर है पॉप स्टार बियॉन्सो। और आपका अगला प्रश्न, किस संस्था के द्वारा लाइपस अपेंडेड हाई कोविड 19 रिटेंस द फ्यूचर ऑफ 600 मिलियन साउथ एशियन चिल्ड्रेन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है? उत्तर है यूनिसेफ। और आपका अगला प्रश्न है, भारत चीन तनाव के बीच चीन को संतुलित करने के संदर्भ में समाचारों के चर्चा में रहे द क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड में कौन से देश शामिल है? उत्तर है जापान अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और भारत। अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया और भारत। और आपका अगला प्रश्न है, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न भी है माय डियर फ्रेंड्स, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार क्रमशः विश्व एवं भारत के स्तर पर कौन सा शेयर बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में प्रथम स्थान पर है? यहाँ पे दो प्रश्न हमारे फ्रेंड, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यदि विश्व में पूछा जा रहा तो विश्व में है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, और भारत में प्रथम पूछा जा रहा है तो वह है BSE 10वां स्थान पर है। ठीक है, विश्व में 10वां स्थान और भारत में पहला स्थान पर है, और न्यूयॉर्क है जो विश्व में प्रथम स्थान पर है। ठीक, तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।